बंदे सीट बेल्ट नहीं बने, बस तंदूरा ही बनाया है। इस बोटी की जी इत रखने सेफ एंड साउंड है। थोड़ा जनाब इधर आना जी, दसो ये आ गया जी तंदूर। तो इसकी जनाब कर सा अगले कुछ दिन में इसकी सेटिंग कर सा कुछ जगह पर। तो तुम को सजेशन चाहिए अगर कुछ बड़े तंदूर लाया या कुछ माई लाया इंग्लैंड से, तो दसो कि इसी अंदरों कोई क्या टिप टाप करी ना, क्योंकि अंदर इसने जरा वो कोई घुमाला शाला चीज करनी होने माड़े हाला बिच ही रोटी लाने काबल होना। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन सारी चीज़ा आ गई जनाब। रेत बजरी से पे दिसनी भी और ड्रम भी आ गया। तो थैंक्स टू डैनी आटोस, ये उन्होंने जनाब तावन नाल ड्रम उतु लबा। तो तंदूर ही पिया जनाब, तो देखो व्हील भी किनी आया, तो कटिंग डिस्क भी किनी आया। तो चलो कम स्टार्ट करने हैं। ये तकरीबन अंदाजे नाल कपी किन सा इसकी थोड़ा जा तकरीबन तंदूरी ने जो शेद दिया ना उसने पर रखो तकरीबन, ठीक है, क्योंकि तंदूरी की थोड़ा जा जड़ा ना इससे सो ड्रम है सो ऊपर रख सो ऊंचा रख सो, ठीक है। तो ऐसा ऐसे निशान लाई किन्ने मैं अंदाजा करना सब कि कालर निशेदी पर सी, लेकिन कालर निशेदी पर नहीं आई, फिर भी नो प्रॉब्लम निशान इतना लाई तो ऐसी करी किन्ने साइड पर। ड्रम कटे गया ऑयल ड्रम साइज मेरे ऐसे जो ऑयल जड़ा वो निकला पा कोशिश करने साइड पर। तो सन साइज जड़ा वो तकरीबन ठीक है, थे थोड़ा जो बिचो बिचो डिंगा हुआ लेकिन नो प्रॉब्लम। तो इसकी बिचो पहले साफ करने फिर अगले स्टेप का जूस जितनी देर जनाब ऑयल ड्रैन होना। ऐसा डब्बा किदा एक महंगा सूप वाला डब्बा वा इस साइज में डब्बा चाहिए ना या बुखार बड़ा भेजा विशा किसी से उसकी जनाब इतने रखना, ठीक है। इतना बॉटम ऊपर तो इसने इसका गोल निशान लाई देना, ठीक निशान लाई गया जी, निशान दस जी ठीक है। ग्राउंड निशान बनी गया इसकी जरा असा कटी के सामान डब्बे को ऐसे कट्स लगा लेंगे तकरीबन हाफ वे तक, थोड़े थोड़े फासले पे लगा लें। जी इसकी इस तरह रख सा इसी जहाँ अंदर ऐसा बैंड कर दिया इधर इधर अंदर सिरका जी इसको ऐसे ओके। इसकी इस तरह जनाब अंदर कर सकते हम बैंड ताकि अंदर ग्रिप बन जाए, थोड़ी मारनी पैसी जनाब बंद हो जाए। चलो जी इस नाल थोड़ी आरजी फिटिंग होगी इसने हम अगले स्टेप तक चले इस नाल सीमेंट शीमेंट बने इसने अंदर। ये जनाब इसे थला लाने से व्हील्स हम याद नहीं रहने से याद ना रहा व्हील तक पता लग गया कि सराख ऐसा साइज ने तय इतना थला लासा व्हील्स। Thank you.
ये रही जी गाड़ी जो है वो टायरों पे आ चुकी है, इस तरीके से रोल हो रहे हैं। अभी फिर से जनाब इसको एक दफ़ा रख लेते हैं ऐसे करके। ये अभी इसके अंदर हम डालेंगे आधा पैक जो है रेत का, आधा दाग जो है वो बजरी का डालेंगे। और इसी के साथ ना सीमेंट इरादी उर्दू पटवारी भी सही ही सीमेंट पास आज तकरीबन एक चौथाई बैग। इसी करने मिक्स रसी। और इसी जी थल्लै टायर लाई सकता। ये टायर लाने मकसद यह कि ये जी है थल्लै ज्यादा ड्रम तक ना जाए, बाहर रिलीज ना होगा। ठीक है, तकरीबन कोशिश करो कि इसी बराबर कर सको। थोड़ी जी दलान छोड़ो इस पास जिधर स्लोपी लाई ताकि उसमें भी सी ऐश वगैरह या उसकी उधर चली जाए। ये सारी जी ना बेस ऐसी ठीक है, हाथ थोड़े कुछ रहने के ज़्यादा ही, लेकिन नो प्रॉब्लम, क्या है नो पेन नो गेन। ठीक है जी, तो इसकी सर छोड़ दे सौन तो सुकन देने इसकी उतने होना तकरीबन 24 आवर्स सुकन देने इसकी, तो इंशाल्लाह फिर कल मिलता। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम जी, नवी जहाड़ तो नवा आगाज। ठीक है, इसकी हम रख सी इतना मिडल च, हाँ मिडल ना रखो थोड़ा जहा इस पास शिफ्ट करी करो, इसने नज़दीक जो चिमनी है इसे नज़दीक शिफ्ट करी करना इसकी, तो इसकी इतने रखी तो अंदर इसमें निशान लाना। ठीक है, पाएं परफेक्ट निशान ना होगा थोड़ा जगह पिछाई जाए। इसकी हम करने हैं बाहर, निशान लगा तकरीबन इतना सा इसी कटी कर सा। ठीक है, इसी भी दोबारा इतने बिच रखा जो कट आ उसकी इस थला एग्जॉस्ट ने सीधी च, तो हूँ इतने थला जनाब थोड़ा जहा रखने हैं कोई कपड़ा शपड़ा उसने बिच। ये जिसका एग्जॉस्ट था इसने ऊपर थोड़ा जहा ये बजरी वाला सीमेंट जो है वो बासा ताकि एग्जॉस्ट जो सही पक्का हो जाए, जब शमू ना हो थला कपड़ा ऐसा मैं रख सकता जी कि वो तंदूर ने अंदर ना जाए जी बजरी है वो। ठीक है, ये जी इतना पे गया सही, इसकी थोड़ा जहाँ लाने ता जो थला चला जाए। घर रेहती है जी इसकी जनाब इतना अगर मिट्टी अवेलेबल है कदम तो मिट्टी जनाब इस्तेमाल करो, लेकिन मिट्टी नहीं सिले मिलने की इस वजह जो मैं रेत चुनी है रेत जी इतना मिली जानी आम बिल्डिंग ने दुकानों में, लेकिन जो रेत है सारी मिट्टी है जी मुश्किल मिलनी। इसकी इतने पर इसे लाने इस तरह राउंड जी है इसकी लाइक ना हर पास है। ये
ये थोड़ी थोड़ी साइड किनारी इसने पर बनानी ताकि जरा कोई चीज़ रखी है उपर तो इसने पर इसने किनारे पर लोड जरा ना पाए। किनारी सारी तैयार होगी हूँ जरा डेकोरेशन टाइम। ठीक है ये थोड़ी जी बजरी बची सी इसकी इसने पर सट सा थोड़ा थोड़ा टैप करी सटो कि नाल सीमटा बिच चमुटी जाए। ठीक है थोड़ी बनेगी डेकोरेशन जी। तंदूर होई गया जी तैयार बल्कि तंदूरी होई गई तैयार बिच दसो जी इधर जरा किसी का देखो जी हम इसे लाने अग क्योंकि असं की बजुर्ग आख्या कि इसकी ज्यादा देर जरा वा छोड़ना नहीं चाहिए इस तरह कहना से छोड़ी अग इस बगैर छोड़ना नहीं चाहिए बनाई था क्योंकि डोरी होई जानी। ठीक है हम डोरी ने मिगी नहीं मकसद पता कि डोरी क्यों आखने आने पर रोटियां ठीक नहीं लगनी लिहाजा इसकी कोई तपाने सही करी था तपाई तो तुम करना कि इसने अंदर नमक जरा वा उसने अल पानी ने छाटे इसने अंदर मारने। ठीक है या कुछ स्पाइन नमक लाई तो इसने अंदर मारना फिर उस बाद रोटियां लानी है लेकिन याद रखे कि पहली बार जो रोटियां लासो नमक आटे थोड़ा घट पाया क्योंकि दीवारा नाल भी नमक उसी। ठीक है हम इसी तपाने फिर सब की दसने इसने बिच थोड़ा स्पिरिट सटा तो इसकी जी अग पी सही बिच इसकी असर सही करी तपाई किन सा तो फिर उस तो बाद सही इसकी रेड जरा ना करना सही मतलब कि सही सही तपी रही ना तो उस इसने अंदर जरा रहा और नमक मारना। ठीक है फिर बंद करो जी दोस्तों साड़ी तंदूरी जी होगी तैयार तो अगली वीडियो से तकड़े रहे इंशाल्लाह रोटी शोटी भी लासा उस दसा मुख्तलिफ रेसिपी से बनाई दसा अब तो विंटर जरा वा इे कम उसी बाहर जाने वाला तो सो अपनी दुआ में असं याद रखे तो इंशाल्लाह मिलसा नेक्स्ट वीडियो बिच। इंशाल्लाह मिलसा जी नेक्स्ट वीडियो बिच अल्लाह हाफिज़। कैमरा मैन थोड़ा लेट हो गया सर तो मेरा सलाम नहीं करी सके। ठीक है तो अल्लाह ने वाला जनाब।